नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि मुद्गल। नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की 5 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें महज राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां धारा 144 लागू होने के बाद भी लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा। कई वाहनों को आग लगा दी गई। सड़क पर उतरकर भीड़ ने लखनऊ में पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। उत्तेजित भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। लखनऊ के हुसैनगंज थाना इलाके की मदेगंज पुलिस चौकी के पास हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। यहां पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ठाकुरगंज इलाके में भी सतखंडा चौकी के बाहर आग लगा दी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बार बार ये अपील कर रहा है कि आप किसी भी अफवाह से बचें, किसी के बहकावे में आप ना आए और शांति व्यवस्था प्रदेश की बनाने में मदद करें, सहयोग दें। तो राजधानी लखनऊ की ये महज तस्वीरें हैं, 5 आपके सामने। जबरदस्त हिंसा और आगजनी राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। नागरिकता कानून के विरोध में लखनऊ सुलग उठा। लखनऊ के हसनगंज में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। यहां पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसके अलावा पुलिस चौकी में तोड़फोड़ भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ के डालीगंज इलाके में भी जमकर उत्पात मचाया। इलाके में जमकर तोड़फोड़ और पथराव हुआ। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, CCTV की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए थे, जो नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी खूब नोकझोंक भी हुई। बाद में लखनऊ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया और गाड़ी में भर कर ले गई। जिस तरीके से भेदभाव के साथ और संविधान की धज्जियां उड़ा रही भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा राज्यसभा में तो समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा ही है, वहीं इस काले कानून के खिलाफ हैं। हमारा लोकतंत्र धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता। लखनऊ में विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास कांग्रेस के विधायकों ने भी धरना प्रदर्शन किया और नागरिकता कानून के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के DGP ने अपील की है कि अभिभावक अपने बच्चों को घरों से न निकलने दें, और अगर वो निकलते हैं और प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश में 19 दिसंबर को 144 CRPC की धारा लगी हुई है। अतः मैं अपील करूंगा अपने सभी गार्जियंस पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को इस दिन कहीं पे भी जाने के लिए प्रेरित न करें, उन्हें डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन में जाने के लिए नहीं बताएं, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार कह रही है कि नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार नागरिकता कानून के बहाने भेदभाव कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश भर में हिंसा और गुस्सा आक्रोश देखा जा सकता है इस कानून के खिलाफ, और स्थिति अभी सामान्य कई जगहों पर अभी भी नहीं बनी है। नोएडा से मेरे साथ पवन त्रिपाठी, साथ ही साथ वाराणसी से नवीन जुड़ गए हमारे साथ। पवन, नोएडा की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या तस्वीर है, चूंकि NCR का ये पूरा इलाका है, दिल्ली NCR में आता है, दिल्ली में आज 2 बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं, तो क्या नोएडा में भी खास प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल सही कहा आपने, और नोएडा की अगर बात करें तो धारा 144 कल से ही यहाँ पर लागू कर दी गई है। साथ ही साथ नोएडा से सटे गाजियाबाद की बात करें, वहाँ पर पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा को
कल रात 10 बजे से आज रात 10 बजे यानी 24 घंटे के लिए पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। और नोएडा में भी कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। जगह जगह अगर बात करें जो मेन मार्केट्स है, चाहे वो अट्टा चौराहा हो और चाहे वो सेक्टर 14A हो, सभी जगहों पर पुलिस लगातार बीती रात चेकिंग करती दिखाई दी। और साथ ही साथ जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त कर रखा है। वहीं गाज़ियाबाद के जो DM है, कल उनका मैसेज आ गया था कि सभी इंटरनेट सेवा कंपनियों को ये बोल दिया गया है कि पूरे गाज़ियाबाद में बीती रात 10 बजे से लेकर आज रात 10 बजे यानी पूरे 24 घंटे के लिए पूरी जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसे ठप कर दी जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक तरीके से पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की पूरी हिदायत दी गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो भी उपद्रव में शामिल होगा उसकी वीडियोग्राफी हो, उसकी फोटोग्राफी हो, बाद में उस पर पूरी तरीके से एक्शन लिया जाएगा और उनकी संपत्तियाँ भी जब्त की जाएंगी। इसीलिए नोएडा में कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। बात की जाए तो प्रमुख चौराहों को और बॉर्डर से जुड़े हुए जो एरिया हैं, चाहे वो नोएडा का कालिंदी कुंज हो जो जामिया से इस नोएडा को जोड़ता उस रास्ते को पिछले 3 दिन से लगातार बंद कर दिया गया है। अगर वहाँ से वाहन आने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉपर चेकिंग के अलावा उन्हें आने की अनुमति नहीं है और पूरी तरीके से जो ट्रैफिक रूट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हिदायतें और जो व्यवस्था है वो पुलिस ने बहुत मुस्तैदी के साथ संभाल रखी और कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि NCR का मुख्य पार्ट है नोएडा, यहाँ पर इस तरीके की कोई हिंसा ना भड़क पाए और लोग जो है वो घर से बाहर इन कामों के लिए, इन प्रदर्शन के लिए ना निकले बाहर। इसीलिए जो पुलिस व्यवस्था है उसे बहुत ज़्यादा चाक चौबंद किया गया है। लेकिन अगर बात करें नोएडा से सटे दिल्ली में, तो दिल्ली में काफ़ी जगहों पर आगजनी तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, इसीलिए नोएडा और गाज़ियाबाद के बॉर्डर इलाकों पर पुलिस व्यवस्था को तैनात किया गया है, ताकि ये जो उपद्रवी हैं ये दिल्ली से होते हुए नोएडा या UP के अन्य जिलों में प्रवेश ना कर सके। इन्हें साफ हिदायतें दी गई हैं कि जो भी आता है, जो भी वाहन वहाँ से गुजरते हैं, अगर वो संदिग्ध लगते हैं तो उनकी जाँच की जाए। जी बिल्कुल। और ये जो पूरी हिंसा देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन की आग हम कहेंगे। आपका शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्राफिक्स भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, चूंकि अफवाहें जोरों से फैली है इस पूरे मामले पर, सच क्या है, अफवाह क्या है, अंतर करने की आपको जरूरत है। नवीन हमारे साथ है वाराणसी से। कल हमने लखनऊ की जो तस्वीरें देखी नवीन, मुख्यमंत्री भले ही बहुत ज्यादा सख्त हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कल लखनऊ में जो हुआ वो पुलिस का बड़ा फेल्योर रहा, इस वजह से हुआ। अब वाराणसी में क्या तस्वीर है? BHU के छात्रों की ओर से हमने प्रदर्शन देखा था 2 दिन पहले, वो भी समर्थन में उतरे थे। अभी मौजूदा स्थिति वहां किस तरह की? जी मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में पुलिस ने कमर कस ली है, कानून व्यवस्था दुरुस्त पूरी तरह से कर दी गई है। DM और SSP लगातार पैदल मार्च और गश्त करके शहर में के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकलें, अगर प्रदर्शन के कर रहे हैं आपके घरों के बच्चे तो उनके बाहर निकलने ना दें, उनको घरों में ही रखें, जिसके चलते प्रदर्शनकारी भीड़ का हिस्सा बच्चे ना बने। और पूरे बनारस में धारा 144 लागू है। कल कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी जिसके तहत 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए DM और SSP ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, खुद पैदल मार्च करके लोगों से अपील ये कर रहे हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और घरों में रहें, घरों से निकले ना। और फिलहाल आज की बात अगर की जाए तो आज शांति कायम है बनारस में, अभी तक शांति व्यवस्था कायम है, कोई भी प्रोटेस्ट अभी आज होने को नहीं है। तो कल की स्थिति को देखते हुए आज फिलहाल पूरी तरह से पुलिस चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की हुई है, कब चप्पे हर चौराहे पर फोर्स लगाने की बात सामने आ रही है कि हर चौराहे को पूरी तरह से मुस्तैद किया जाएगा। जानकारी देने के माध्यम से राजधानी लखनऊ का हम रुख करेंगे। लोमस हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। लोमस, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो अदब का, तहजीब का शहर लखनऊ को कहा जाता है, और कल जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, जो तस्वीरें वहां से सामने आई। अभी मौजूदा स्थिति राजधानी लखनऊ की क्या? बिल्कुल, आपने क्योंकि नवीन से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमे की वो फेल्योर थी, कल जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में उपद्रवियों ने पूरी तरीके से हिंसा फैलाया और चौकी को अपना निशाना बनाया, मीडिया को अपना निशाना बनाया, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, जो लखनऊ की पुलिस थी,
जिस तरीके से जो उपद्रवी थे उनको रोकने में पूरी तरीके से कल नाकाम रही, और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुला करके सभी को फटकार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरीके से कल हिंसा हुई, कल उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, उनको रोका जा सकता था लेकिन जो व्यवस्था थी कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स थे, उसके बाद इस तरीके से हिंसा भड़की, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज काफ़ी एहतियात बरती जा रही है। जो खदरा इलाके में कल हम जहां पे मौजूद थे, कल हमको भी निशाना बनाया था उपद्रवियों ने अपने पत्थर का, लेकिन कैसे तैसे जान बचाते हुए हम लोग वहां से निकले, और साथ ही चौकी को हमने कल तस्वीरें चौकी उस चौकी की भी दिखाई थी जिस चौकी को पूरी तरीके से जो उपद्रवी थे उन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, और साथ ही जो वहां पे गाड़ियां थी उसको पूरी तरीके से जला दिए गए, और साथ ही जो जो चौक था चौक इलाके में वहां पर जो ओवी वैन्स थी उसको भी पूरी तरीके से उपद्रवियों ने वहां पे जला दिए थे। साथ ही उसके बाद आज देखे तो काफ़ी मुस्तैदी से पुलिस तैनात है और सभी जगह पर बैरिकेटिंग किए गए हैं, और साथ ही लखनऊ में कल रात से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, और लखनऊ समेत 4 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति व्यवस्था कायम रखें, और साथ ही किसी भी भीड़ या फिर किसी रैली का हिस्सा ना बने। बिल्कुल, कल जब ये तस्वीरें लखनऊ से सामने आई लोमस, उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया था कि वीडियोग्राफी हुई है, जो भी तस्वीरों में जिसकी भी पहचान होगी उसकी संपत्ति सीज की जाएगी और उससे इस नुकसान की भरपाई होगी। लेकिन ये चुनौतीपूर्ण कितना होगा, क्योंकि तस्वीरों में हमने कल देखा था कि कई लोग ऐसे थे जिनकी ओर से चेहरे को ढकने के लिए, पहचान छिपाने के लिए नकाब चेहरे पर रखा गया था, अब उन नकाबपोशों की पहचान कैसे करेगी सरकार और प्रशासन? बिल्कुल, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में फटकार लगाई, और साथ ही ये भी कहा कि जिन सीसीटीवी में या फिर वीडियो में उन उपद्रवियों की चेहरे हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको चिन्हित किया जाए, और साथ ही उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, जो सरकारी नुकसान हुआ है, जो लोगों का नुकसान हुआ है उनकी संपत्ति से उनकी भरपाई की जाए। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि कल जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई तो उसमें बड़ी सोची समझी साजिश थी, कहीं बड़ा एक मास्टर प्लान था, जिस तरीके से लखनऊ में इस तरह के हिंसा को फैलाया गया, चौकी को निशाना बनाया गया, मीडिया कर्मी को निशाना बनाया गया, कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा था। अब बड़े ग्रुप के तहत जो सोची समझी रणनीति के तहत वो पूरे कल हुए हिंसा को पीछे से आपको ये कह सकते हैं कि पीछे से उनको गाइड किया जा रहा था, एक मास्टर प्लान उसमें काम किया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि हमारे उच्च अधिकारियों से अभी सुबह में बात हुई, लगातार वो लोगों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो वीडियोग्राफी हुई है उन वीडियोग्राफी से लोगों को चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है। कल कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और साथ ही उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो उन उपद्रवी घटना में शामिल थे। बिल्कुल, चलिए लोमस आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वाराणसी से नवीन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, नवीन का अब हम रुख करेंगे। नवीन, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बाधित है, वाराणसी के क्या हाल है, क्या वहां पर इंटरनेट सेवा सुचारू है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या कुछ गिरफ्तारियां वहां से हुई हैं, क्या हिरासत में वहां पर कुछ लोगों को लिया गया पुलिस की ओर से? जी, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में प्रोटेस्ट कल का जो हुआ था उतना तनावपूर्ण प्रोटेस्ट, इतना भयावह प्रोटेस्ट नहीं था, जिसको देखते हुए प्रशासन काफ़ी मुस्तैद था। लेकिन इंटरनेट सेवा की अगर बात करें तो इंटरनेट सेवा अभी बंद नहीं की गई है, वाराणसी में पूरी तरह से इंटरनेट सेवा शुरू है। और गिरफ्तारी की बात की जाए तो 73 लोगों को कल पुलिस ने गिरफ्तार चिन्हित करके गिरफ्तार किया है, 73 लोगों को गिरफ्तार किया, और लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल, आज परीक्षाएं भी होने वाली थी नवीन जो कि कैंसिल कर दी गई हैं, यहाँ पर कितने ऐसे परीक्षार्थी जिन पर असर पड़ा है एग्जाम्स कैंसिल होने का? जी, वाराणसी में उतने परीक्षाएं जो होने वाली थी जिस की कैंसिल जो हुई हैं, परीक्षार्थियों को खास तौर से अंतर पड़ा, क्योंकि परीक्षार्थी तैयारी किए हुए थे, ये कैंप बना के कि इस तारीख को पेपर है और उस तारीख को परीक्षा होती है, तो प्रिपेयर अपने आप को परीक्षार्थी विद्यार्थी करते हैं, तो उस हिसाब से अगर परीक्षाएं कैंसिल टाली जाती है तो परीक्षार्थियों को काफ़ी असर पड़ता है, फिर उनको रूटीन बनानी पड़ती है, रूटीन बना के फिर से तैयारी करनी पड़ती है, तो परीक्षाएं अगर कैंसिल हुई हैं तो काफ़ी दिक्कत है
विद्यार्थियों को, जिससे विद्यार्थी काफी नाखुश भी हैं और प्रदर्शनकारियों से अपील भी कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन ना करिए, हम उनके करियर का सवाल है, प्रदर्शन करने से उनका डिस्टर्ब एक माइंड मेकअप जो बना के वो चलते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो विद्यार्थी लगातार उन प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन न कीजिए जिससे उनकी परीक्षाएं या कोई किसी तरह की शहर में घटना घटित हो। जी बिल्कुल, परीक्षा चुकी प्रदेश भर में आज जो होने वाली थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। विरोध को देखते हुए हिंसक प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास मैं।